तो जैसे आपको एजी साहब अभी बता ही रहे थे, यह खबर कल शाम को आई थी पुलिस की तरफ से, और आप लोग सब इस चीज से भी बिल्कुल वाकिफ हैं कि पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के अंदर बिल्कुल 100% तालमेल है। तो बताए हुए प्लान के हिसाब से तीनों फोर्सेस अपने अपने प्लान के हिसाब से लोकेशन पर गई हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जैसे आईजी साहब बता रहे थे, सबसे पहले एक ही हमारी बटालियन से ही जो कि 44 RR है, वो जाके उसकी फैमिली तक पहुंची है। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को लेकर इनकाउंटर साइट पर गए हैं। 34 RR को उन्होंने उसको हैंड ओवर किया है, और 34 RR ने फिर इन लेडी को आगे बढ़कर पहले सरेंडर अपील कराई है। उसके बाद उसके बच्चे को भी फैसिलिटेट किया है जो कि 4 साल का था, कि शायद उसके कहने से वो वापस आएगा। अभी हमें ये पता लग रहा है कि आकिब तो वापस आना चाह रहा था, पर अंदर बैठे हुए एक दो और जो थे उन्होंने उसको रोक लिया था। तो शायद अगर वो आ जाता अपने दिमाग से तो शायद हम उसको बचा लेते। उसके बाद उसके ब्रदर इन लॉ को भी हमने आगे किया, उसने भी जाके उसको सरेंडर अपील के लिए कोशिश करी है। यही चीज तब भी हमारे को पेश आई, और तभी अगर आप देखेंगे रात से लेकर हम सुबह तक इसीलिए डिले कर रहे थे कि हम जितना हो सके कोशिश करें और सरेंडर ले सकें। पर जब वो सारी चीजें फेल हो गई और अंदर से फायर तेज हो गया, तब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि अब हम अपनी अगली कार्रवाई कर सकें। तो आपके जरिए, मीडिया भाइयों के जरिए यही पैगाम हम सबकी तरफ से, आईजी साहब की तरफ से और कोर कमांडर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, कि जो भी सरेंडर के लिए आना चाहता है लास्ट मोमेंट तक, सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल लड़कों के लिए कमिटेड हैं।